बालाघाट कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लाख की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। जल्दी पैसा कमाने और शौक को पूरा करने के लिए ये लोग चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इस पूरे माल की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बालाघाट कोतवाली में 3 चोरों ने, जिसमें एक नाबालिग शामिल है, अपने शौक और जरूरतों को पूरा करने के लिए ये रास्ता अपनाया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं कर्मचारी, उनके द्वारा थाने पर आकर जवानी बताकर FIR दर्ज कराएगी कि दिनांक 29/1/2020 को अपने पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और दिनांक 5 को जब वो वापस आए तो उनके घर में अंदर देखने पर उनको ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर के अंदर घुस करके चोरी की गई है। उक्त फरियादी के द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट पर करीब नहीं तो 3 लाख रुपए का टोटल मशरूका का सामान चोरी जाना, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, कुछ आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स तथा नकदी करीब 1,60,000 रुपये के आसपास जो है चोरी जाना, कुल मशरूका 3 लाख रुपए का दर्ज कराया गया था। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और श्रीमान CSP महोदय के नेतृत्व में थाने में एक टीम गठित की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्री वीरेश कुशवाहा, आरक्षक माटे, शैलेश, रमेश तथा मुखबिर सूचना को सभी से जो है कोऑर्डिनेट करते हुए इन सब के नेतृत्व में संदिग्धों को पकड़ कर लाया गया, जिनसे पूछताछ पर सदर अपराध में चोरी गया माल सोने चांदी के जेवरात, जिसमें चोरी गए सभी आभूषण आरोपियों के, 3 आरोपियों के कब्जे से, जिसमें से एक अपचारी बालक, उनके द्वारा मेमोरेंडम के आधार पर उनसे उनके घर से बरामद किया गया है।